ओ साहब, ससुर वाली आ गए, उतर के ससुर का आशीर्वाद लियो। अरे तुम्हारे प्यार में ससुर का क्या कसूर, समझे क्या हुजूर? ओके बाय। ओके बाय? जब कभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आता है तो क्या ओके बाय बोलता है? तो फिर तुमने कभी इंग्लिश पिक्चर नहीं देखी है? अरे घे 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 घे, अरे घे उन टॉक कुटे टाकला। ओके बाय। सेम है। अरे साहब तुम भी क्या मानुस है, की बोलती कुछ है तुम करता कुछ है। अरे दिल का सौदा है कर डालने का। मैंने तो मौत के साथ सौदा किया था, बच कैसा गया साला? लगता है अच्छी नस्ल का शिकार है, बड़ा मजा का खेलने का। आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो भाई। छोटे खतरनाक उसके लिए है, अपने लिए नहीं। मुझे इस खेल का अंजाम मालूम है। खबरदार आइंदा करण से मिली तो। आखिर मेरा कसूर ही क्या पापा? I love him. Shut up. प्यार करना कोई गुनाह नहीं है पापा। I say shut up. काजल। माँ, माँ, तू अंदर जा। मैं बोल रही ना अंदर जा। आप बिना आए वही, आखिर क्या बुराई है करण में? तुम समझती हो मैं काजल का दुश्मन हूँ? पर करण तो अच्छा लड़का है, करण से काजल की शादी हो। करण से इसकी शादी खुदकुशी होगी, वो एक पुलिस वाला है। काजल पहली लड़की नहीं होगी जो एक पुलिस वाले से शादी करना चाहती है। मैंने भी तो एक पुलिस वाले से शादी की थी। मुझ में और करण में फर्क है। वो पागल है रुक्मणी, मैं उसका पार्टनर हूँ। हर रोज सुबह जब मैं उसके साथ ड्यूटी पर जाता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि शाम को जिंदा लौटूंगा या नहीं। वो जीती जागती मौत है जिसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वो काजल की जिंदगी की क्या परवाह करेगा? मैं जीते जी अपनी बेटी को आग में नहीं ठोक सकता। बस तो आप अपने डर के लिए काजल की खुशी छीन लेना चाहते हैं? रुक्मणी तुम समझती क्यों नहीं? तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी को विधवा होने का आशीर्वाद देकर डोली में बिठाऊं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। नहीं करण भैया, मैं किक नहीं मार सकता, मैं नहीं खेल सकता। कबीर तुम किक मार सकते हो, दूसरे बच्चों की तरह तुम भी मार सकते हो। चलो। नहीं भैया, मैं किक नहीं मार सकता। बेटे तुम्हें किक मारनी होगी। नो भैया, आई कांट। देखो अगर तुम किक नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। नो भैया, आई कांट। यू हैव टू किक कबीर। I can't भैया, I can't. You have to kick. No भैया, I can't. चलो come on kick. No. You have to kick. No भैया, I can't. You can do it. मैं kick नहीं मार सकता. Come on कबीर, you can do it. Come on kick. तुम यहाँ? जी हाँ, मैं जानती हूँ तुम हर संडे को आश्रम के बच्चों के साथ खेलने आती हो। करण एक बात पूछूं? तुमने उस बच्चे को किक मारने के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों की? उसका हौसला बढ़ाने के लिए। उसकी जिंदगी में जब भी उसका हौसला पस्त होगा उसे ये किक याद आएगी। उसे याद आ जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है, एक अपाहिज नहीं है मेरी तरह। मतलब? जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए मेरे जीने का हौसला टूट गया, एक अपाहिज की तरह। आई एम सो सॉरी करण। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, उनका सपना था कि मैं एक एथलीट बनूं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया वो देखने के लिए जिंदा नहीं थे। मेरे माता पिता को किसी मुजरिम ने मार डाला था। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उस हत्यारे की तलाश में। जो नफरत मेरे दिल में मुजरिमों के लिए है वो मेरे माता पिता के प्यार से जन्मी है। तुम्हें पता है करण, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूँ। वो चाहते हैं मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन आई डोंट केयर। वो ठीक ही तो कहते हैं, तुम्हें तो मेरे साइड से भी दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम हो किसकी साइड पे, मेरी या पापा की? अब कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा कुछ मत बोलो, आई लव यू बोथ। सेम है। आई लव यू भी नहीं बोल सकते, बुद्धू कहीं के। ओ, ये पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन, जिसे देखो चला रहा है। ए, तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए नायक, अरे वो ये बैग नीचे, सारी जिंदगी तुझे पाला पोसा और आगे भाग के इसके साथ। चुप करती है कि नहीं? चुप बैठ। चल चल, सलाम साहब, क्या चार्ज है इस पर? किडनैपिंग सर। सारी बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ, माँ है? किसका मर्डर किया? मर्डर नहीं,
किडनैपिंग सर, ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी पेड़ियां डालकर डंडे मारकर घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उसे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। ओए, घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुमी सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है? मेरे को कानून सिखाता है? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। Why? Tell me why? हाँ? आपने केस देखा ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। Hit me! इसे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर, सर हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिग हूँ सर। अगर आप बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप ना कानून। Yes, okay. Don't worry. I'll be there. Yes. Okay, fine. Sir. Okay. Inspector, तुमने उस आदमी को बिना चेक किए क्यों जाने दिया? सर, आप इन्हें नहीं जानते? ये हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिकंदर हैं। यही तो सीएम साहब की पार्टी के खास मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी चेक करना तो तौहीन होगी सर। अच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पहचान करनी ही पड़ेगी। हेलो, हैव वी मेट बिफोर? क्या पहले हम मिल चुके हैं? जो एक बार मुझे मिलता है वो कभी भूलता नहीं। आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सबको याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता। हाय, हाउ आर यू? आप जैसे लोग दुआ करते हैं कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मिस्टर, इस शहर की आबोहवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत की गोलियां अपने साथ रखता हूँ, फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं दूसरों को खानी पड़ती है। एनी प्रॉब्लम सिकंदर? भीतर आपका इंतजार हो रहा है। ऑफिसर, टेक योर पोजीशन। ओके सीएम साहब, आप चलिए, मैं अभी आया। ओके, ठीक है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा, ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं। सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। यू कांट टच मी। मैं तुझे छूने नहीं, मिट्टी में मिलाने आया हूं। जमीन के दो गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं कावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अच्छा सपना है, देखते रहो। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूं। हेलो काजल, मैं निशा बोल रही हूँ। क्या बात है, बड़ी घबराई हुई सी लग रही है। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? मुझे डर लग रहा है काजल, कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम ले यार। मैं अभी तेरे घर आती हूँ, फिर हम दोनों पापा के पास जाएंगे। यू नो ना, पापा इज इन पुलिस, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेंगे। थैंक यू काजल, थैंक यू। ए चुप, यू इडियट, जस्ट वेट, मैं आती हूँ। हाय हनी, कहीं जा रही हो क्या? लीव मी, जस्ट लीव मी अलोन। आई कांट लिव विदाउट यू हनी, आई लव यू, रियली लव यू हनी, आई लव यू। बुलशिट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। What is this? सिर्फ एक चीज। What do you mean by इस्तेमाल करता रहा हूँ?
Come on, honey, let's have fun. Don't touch me. Don't. मैंने सोचा था शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, शायद मेरे लिए तुम अपने रास्ते बदल दोगे। Cut the shit. प्यार व्यार, I don't believe in all this. Just forget it. तुम भूल गए ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे अभी तक उस गंदगी को तुमने गिरवाया नहीं। ओके, हम आज ही तुम्हारा अबॉर्शन करवाए देते। नहीं, ये मेरे लिए गंदगी नहीं है। सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लो। हट। अगर इसी तरह मैं हर उस लड़की से शादी करने लगा जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस शहर के ना जाने कितने नाजायज बच्चों का बाप बनना पड़ेगा मुझे। नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। You bloody bitch. बोल, क्या कर लेगी वरना? बोल। मैं चेक चेक के तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को बता दूंगी। क्या? सिकंदर की दुनिया वन वे स्ट्रीट है, इसमें लड़कियां तो सकती है लेकिन वापस जा नहीं सकती। कहाँ जाना है तुम्हें? हम भेजेंगे। बोला था ना बहुत जल्दी थी ना जाने की, मना किया था कि कहीं नहीं जाने का। पंचनामा पूरा हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर, सर, नीचे एम्बुलेंस आ गई है। इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दो। ओके सर। पापा निशा। घबराओ नहीं बेटे, जो कुछ तुम्हें याद है इत्मीनान से बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लाश के पास से हमें ड्रग्स की सिरिंज मिली है। ड्रग ओवरडोज का केस लगता है, इसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजवा दो। ओके सर। नहीं पापा, निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। हो सकता है तुम्हारे सामने ना लेती हो। नहीं पापा, मुझे पता है निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं यहाँ की कार्रवाई खत्म करके फिर आता हूँ। तुम ठीक कह रही हो काजल, निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिए क्योंकि सिरिंज का निशान उसके गले पे था। काजल, जब तुमने उससे फोन पे बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा? वो बहुत डरी हुई थी, उसने मुझे जल्दी आने को कहा, लेकिन मैं, उसे कोई खतरा था। किससे? कोई नाम, कोई पहचान? मुझे नहीं पता। काजल देखो, तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो, इसलिए गौर से सोचो, तुमने कुछ ऐसी कुछ अजीब सी चीज देखी हो जिससे तुम्हें कुछ? नहीं, सिर्फ एक आदमी मुझसे टकराया था जब मैं लिफ्ट में जा रही थी, लेकिन वो... इसका मतलब तुमने कातिल को देखा है? नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा? पता नहीं। तुम इस केस की चश्मदीद गवाह बनोगी? नहीं, लेकिन मैं उसे... तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? जाओ घर जाओ। काजल निशा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है अर्जुन सिंह जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? काजल, क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा है? इसने कत्ल नहीं देखा, लेकिन कातिल को लिफ्ट से निकलते हुए जरूर देखा। मैं इससे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा है? नहीं पापा। तो फिर ये चश्मदीद गवाह कैसे बन गई? इससे गवाही देने की जरूरत नहीं, हम ये झूठी खबर मीडिया में फैला देंगे कि पुलिस के पास कत्ल का चश्मदीद गवाह है। तुम्हारे शहर में पुलिस वाले कौन सी किताब पढ़ते हैं? एक झूठी खबर मीडिया में फैलाकर कि पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल गया, क्या हासिल कर लोगे तुम? मेरा ख्याल है मुंबई की पुलिस ने भी वही किताब पढ़ी है जो साड़ी पुलिस ने पढ़ी है।
आप खुद सोच लीजिए। ओ, तो तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो ताकि खबर पढ़ के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो। इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो। खबरदार, अगर मेरी बेटी को इस केस में उलझाने की कोशिश की, याद रहे भूल कर भी कोई उल्टा सीधा बयान मत देना, मुंह मत खोलना बिना मुझसे पूछे। जाओ।